Hot. Getting hot, hot, hot. Hello. How are you guys doing today? Good to see you guys back on my live session. I'm very excited today because I'm going to be. It's almost the weekend. It doesn't feel like the weekend, does it? Kal Friday hai, or that's the weekend. But phir bhi, I'm still happy that it's the weekend, and maybe I'll get one day off on Sunday, and I'll just take it easy. And thank you. So today I decided that I would, be talking to some of my friends. And my friend today is going to be Imran Abbas, who you already know very well. And it's we're going to chat with him. But you know, हम मैं क्या बातें करती हूँ, मैं तो इधर ही गपशप करती हूँ. लोग डर जाते हैं कि पता नहीं क्या सवाल करने वाली है, लेकिन आपको पता है कि मैं कोई उल्टे सीधे सवाल नहीं करती. आई लाइक टू हैव टू कीप एवरीबडीज I just like everyone to feel secure, and I don't want to ask any stupid questions. So I did put up a tweet about Iman Ali, or that's gotten a lot of attention. मैं बहुत दिनों से सोच रही थी, बिकॉज़ जो सबसे पहले जब उन्होंने बात की थी फवाद खान की, तो उस वक्त मुझे बहुत गुस्सा चढ़ रहा था. लेकिन फिर बाद में बात आ गई, और उर्दू और अंग्रेजी मीडियम पे बात आ गई. एक्चुअली इन माई लाइफ. हेलो, हाय इमरान. हाय हाय प्रिया, क्या हाल? कहाँ तुम? बाग में बैठे हो? बाहर बैठे हुए हो? ये मेरे घर का बाग है. नो हाउ नाइस. सो यू आर इन कराची, राइट? यू लिव इन कराची? नो नो, आई एम इन इस्लामाबाद. रियली? इसीलिए या तुम बाहर बैठे हो. पता नहीं कराची में कितनी गर्मी है इस वक्त. मैं बैठी सीरियसली, थी शाम, हाँ, अम्मी के साथ बैठी थी. यू नो, यूजुअली आई हैव माय टी विद अम्मी इन द इवनिंग. अच्छा. मैं जब जाके बैठी तो मुझे, मैंने कहा अम्मी मुझे आज बड़ी गर्मी लग रही है. यू नो, इवन दो आई वाज वेयरिंग अ नाइस लॉन जोड़ा, बट आई हाँ, सेड नो, आई कांट सिट हियर टुडे. यू नो, सो आई नहीं, केम बैक अप. इस्लामाबाद इज ब्यूटीफुल नाउ डेज. इस्लामाबाद में तो इतनी खूबसूरत स्प्रिंग मैंने कई सालों बाद बचपन में देखी थी, क्योंकि बचपन में ज्यादा पोल्यूशन हाँ. कम होती थी, और इस्लामाबाद वाज मोर सरीन एंड मोर पीसफुल एंड लेस, लाइक देयर वाज लेस पोल्यूशन इन इस्लामाबाद. बट नाउ आफ्टर, आई थिंक, आफ्टर मेनी इयर्स, आई एम सीइंग दैट सेम इस्लामाबाद विद द सेम अरोमा एंड सेम फ्रेशनेस. तो बहुत ही खूबसूरत मौसम है. ब्यूटीफुल. अभी ये कोरोना शोरोना का चक्कर ना होता ना, तो मैं तो आपको बुला लेता, आप कहता कि आ जाए मेरे पास और स्टे करें. अच्छा, आई कम टू इस्लामाबाद. मैं बहुत आती हूँ. मैं ऑल्सो आई डू द ट्रैक ऑन द मरगला हिल्स. आई लव डूइंग दैट, बाय द वे. या मुझे या बहुत या अच्छा दैट्स बेस्ट, लगता है. वन ऑफ द बेस्ट प्लेसेस इन इस्लामाबाद. और आपको पता है कि राइट, उस ट्रैक पे आजकल लेपर्ड्स आ गए आई नो, आई ट्वीटेड हैं. अबाउट इट. वही वही. तुम्हें पता है कि दिल्ली में सड़कों पे बंदर घूम रहे हैं और फिनलैंड में डियर घूम रहे हैं, क्योंकि जानवरों को भी हम लोग पीछे कर देते हैं ना. हम लोग थोड़ा सा ज्यादा ही ना, जगह ले लिए है अच्छा, इंसानों ने. मैं असल में जानवरों की ये दुनिया थी जहां हम लोग बाद में आए. पहले तो जानवर ही रहते थे, तो बेसिकली हम लोग गेस्ट हैं, वो होस्ट हैं इस दुनिया के. और मैं तो इतना जानवरों से प्यार करता हूँ प्रिया, कि मेरे जो सारे स्ट्रे डॉग्स होते हैं वो मेरे दोस्त होते हैं, वो सब खाना खाते हैं मेरे घर के बाहर आके. और जहां मैं रियली? किसी जानवरों से ज्यादती देखता हूँ, मैं जो है ना, वो बस कमांडर सेफ गार्ड बन के पहुंच जाता रियली? देन आई नीड यू हूँ. टू वर्क विद एसी. यू नो, आयशा चंद्रगर हैज अ फाउंडेशन ओ एसीएफ के सीरियसली? नाम से. अच्छा, या एंड शी एक्चुअली, वो क्या करती है, वो उसके पास, उसने अब तो बहुत बड़ी जगह ले ली है. हाँ आई थिंक उसने क्या किया कि वो सबसे पहले मेरे पास आई थी 2014 में. सो इट्स बीन अबाउट 6 years. एंड आई यू नो, वन वन ऑफ माई इवेंट्स दैट आई डिड हेलोवीन पे, इट वॉज, उसका थीम था जू पार्टी. तो हमने अच्छा एक पार्टी की थी हेलोवीन की. एवरीबडी हैड टू ड्रेस अप लाइक एन एनिमल. सो वी हैड एनिमल लंबी एनिमल्स एनिमल. डोंट या ड्रेस अप, भाई, एनिमल डोंट ड्रेस अप. बट वाओ, वी व्हाट हैड अ टू ड्रेस. पार्टी टू टाफी. आई नो. सो वी ड्रेस्ड अप एज एनिमल्स. एवरीबडी वॉज ओके, वेयरिंग लेपर्ड स्किन एंड यू नो, इट अच्छा वॉज अ लॉट ऑफ फन. सो वी हैड, हर लाउंज का एक नाम था. यू नो, आइदर यू वर एन ईगल और अ शार्क. रेड बुल ने भी स्पॉन्सर किया था उसको. सो इट वॉज अ लॉट ऑफ फन. और उसमें मैंने उस फाउंडेशन के लिए सबसे पहले
एक बॉक्स रखा था जिसके अंदर यू कुड डोनेट मनी फॉर हर फाउंडेशन. सो या सो यू गॉट अ लॉट ऑफ फैंस कमिंग. यू गॉट लाइक पीपल फ्रॉम बैंगलोर एंड नेपाल चेकिंग इट. यू आर वेरी पॉपुलर मैन यार, इमरान थैंक यू अब्बास, फ्रिया, थैंक यू सो मच। पॉपुलर अच्छा फ्रिया मुझे बताएं, हर इंसान को देखे कोई जानवर की शक्ल जहन में आती है, राइट? किसी से एनिमल. आप मुझे देखे कौन सा जानवर आपके जहन में आता? तुम अगर मैं तो जानवर कुछ होता तो ज्यादा. कौन सा जानवर होता? आई एम ट्राइंग टू थिंक ऑफ अ मेल स्पीशीज ऑफ एनिमल विच हैज लवली लॉन्ग आई लैशेस. आई डोंट नो, यू टेल मी. यू हैव डियर। तुम्हारे छज्जे छज्जे बने हुए, तुम्हारी हाँ, लैशेस और नहीं है, पता है छज्जे पहले तो मैं बने. ग्लासेस भी नहीं पहन सकता था क्योंकि वो आई लैशेज उससे टकराती थी। वाह. सो ये तुम्हें और किससे मिली, अम्मी से, अब्बू से, किसकी जीन है ये? ये मम्मी पापा मम्मी. दोनों, सो हाँ मम्मी समवन, पापा दोनों। ओके, so someone is saying wolf, someone is saying lion. I don't think so. You're not like a लॉयन, lion to me. No, you're अच्छा not even a हाँ wolf. Wolf is like fox. Fox, yeah, you could be foxy. That's sexy. Foxy is sexy. Yeah. So there फॉक्सी you go. Fox is a good one for you, right? Yeah. But foxes, foxes are, fox are very short. So they're very short. They're small. Okay. which I'm Wolf not. is big enough. Yeah. So you're not. And I mean, you're, I don't know. I'm just trying to मुझे think. लगता है कि शायद मैं खरगोश होता, इसलिए कि मेरे सामने के दो तीन साइसेस जो है ना, ये खरगोश वाले हैं, लेकिन बिल्कुल नहीं, ठीक ठीक है. आप कुछ ज्यादा ही परफेक्ट हैं. तो आप वहां जाए भी लेकिन ना, मैं बहुत सारे लोग हैं जो खरगोश लगते हैं, जो मैं आपको बता मैं नाम सकती नहीं हूँ. लेना चाहती। नहीं, कभी नहीं. We never say bad things about people. We don't need to do that, right? नेवर। So yeah, I think you could be. I can't really think. Long lashes, long lashes. I don't know. I don't know, man. It's hard. It's hard. Yeah. सर But what is your favorite animal? बता दो. What's your माय favorite फेवरेट animal? एनिमल Ah, mine too. हॉर्स। Wow. It's my और मैं बहुत favorite. जल्दी मैं अभी रखने वाला हूँ अपने यहाँ इस्लामाबाद में अपने फार्म हाउस में। मैं चाह रहा हूँ कि मैं Yeah. You have a farm? Are you on a farmhouse? Is that a farmhouse you live on? अभी नहीं नहीं रहते नहीं हो दिस तुम या नहीं खरीदोगे? नहीं मैं खरीद रहा हूँ, और मैं सिर्फ इसीलिए खरीद रहा हूँ कि वहां मुझे बहुत सारे जानवर पालने हैं। बट तो बड़ा बड़ा महंगा होता है घोड़ा रखना, कहते हैं ना. हाथी सबसे हाँ महंगा होता है. लेकिन लेकिन जानवर्स आर नॉट चीप, यू नो, दे आर एक्सपेंसिव. एंड बट हॉर्स, डू यू राइड एट या ऑल? या या एक मैंने फिल्म यू की डू? थी जानिसार हाँ इंडिया में, तो उसमें आई वाज प्लेइंग अ हाँ प्रिंस, और राइट. उसमें मुझे वहां मुजफ्फर अली साहब ने, जिन्होंने उमराव जान बनाई थी, उन्होंने मुझे राइडिंग सिखाई वाह सिखवाई वाह. सिखवाई। तो एक उसमें एक शॉट था जिसमें मुझे हाथ में मेरे एक वो था मशल जो होती है ना टॉर्च, वो मैंने हाँ पकड़ी हुई थी, और मुझे एक हाथ से राइडिंग करनी थी, भगाना था, और बीच में दरिया था जो मैंने पानी पानी को क्रॉस करना था घोड़े के ऊपर, और एक हाथ में मेरे, और पूरा पीछे मेरे एक प्लाटून थी घोड़ों की, तो अगर मैं गिरता तो सारे घोड़े पीछे गिर जाते। तो वो बड़ा डिफिकल्ट वाह. शॉट था, लेकिन मैंने बड़ा अच्छा किया था वो सिंगल टेक। अच्छा, सो नो बॉडी डबल, नो स्टंट मैन, यू डिड इट नहीं ऑल बाय अब योरसेल्फ. मैं बॉडी डबल्स मैंने अभी तक तो नहीं किया कि अपनी किसी फिल्म में या किसी जगह पे। आई डोंट यूज बॉडी अ डबल। लॉट ऑफ पीपल डू देम व्हेन दे हैव टू टेक द क्लोथ्स ऑफ. सो डोंट वरी अबाउट. वेयर इन पाकिस्तान वी डोंट हैव टू गो देयर. बट आई एम, यू आर प्रीटी फिट. सो इफ यू हैव टू टेक योर शर्ट ऑफ एंड यू आर क्वाइट I won't फिट, mind. राइट? एंड Yeah, या यू I would वुड. love to. I'm sure the No. girls will go crazy. They'll be like, "Oh, Imran Abbas, अच्छा मैं shirtless कभी भी Imran कुछ तरह की Abbas." शर्टलेस पोस्ट करता हूँ तो बड़ी मुझे गालियां। अच्छा ये भी होता है ना कि लोग कुछ तो तारीफ करेंगे और एक कहेंगे शर्म करो, तुम्हें शर्म आनी चाहिए, मुसलमान होते हुए तुम ये करते हो। भाई मुसलमान मतलब शर्ट उतारना तो इस्लाम में, आप शर्ट तो मर्द उतार सकते हैं यार, इतना तो इजाजत दे देना। ऐसा कुछ नहीं है कि आप शर्ट नहीं उतार Listen, सकते। you're talking to me, okay? I get so much. So many trolls because I live my life and I wear and I believe that everyone should just wear what they want. It's nobody's business but yours. And if no, somebody doesn't like it, then that's their problem. So I hate it when people get, And when you when have you it, flaunt it. When you have it, yeah, flaunt it. exactly. So horses are extremely loyal. And they're very intelligent human beings. I used to ride. मैं एक जमाने में मुझे शौक चढ़ा था, बल्कि इस्लामाबाद से चला था. मेरी दोस्त राइडिंग करती थी, वो मुझे इस्लामाबाद क्लब ले गई.
सुबह 5 बजे उठाया, उसने कहा चलो हम जा रहे। मैंने कहा कहाँ जा रहे? घोड़े दौड़ाने। मैंने कहा अच्छा ठीक है। सो आई वेंट विद हर, और मैं जो इतनी वो खूबसूरत जगह, वो मुझे पूरे, आई मीन वी वेंट ओवर स्ट्रीम्स, तो आई थॉट इट वॉज सच एन एक्सपीरियंस। एंड आई केम बैक टू कराची एंड आई ज्वाइन द राइडिंग क्लब एंड आई लर्न। मगर वो भी Where do you have the मैंने riding club in Karachi? वी हैड अ राइडिंग क्लब, यू नो कंटोनमेंट, पुराना जो शेप्स है जहाँ पे शेप्स, आई डोंट नो इफ यू हैव बीन टू द टू शेप्स, सो इट्स इन द Oh कंटोनमेंट yeah एरिया। yeah वी yeah यूज yeah. टू Oh yeah, exactly ग्रेट exactly. Yeah, फूड, समझ गया. एंड वहां पे सो 500 रुपए में, 500 रुपए में महीने के आई लर्न हाउ टू राइड, और वो भी पोलो हॉर्सेस। सो दैट वॉज Oh. आई लव्ड इट। मैं गुड़ प्रिया, मंगवाती थी। मुझे याद है. आप मॉडलिंग से आपने स्टार्ट किया, बिकॉज आई स्टिल रिमेम्बर योर हाँ योर सनसिल्क की कैंपेन. एंड ओ या या सो यू स्टार्ट एज अ मॉडल, एंड योर सिस्टर नश्मिया वाज आल्सो अ मॉडल. लाइक बोथ ऑफ यू, नश्मिया वाज अ सुपर राइट मॉडल. एंड कमिंग फ्रॉम दैट बैकग्राउंड, देन यू डिड अ फ्यू एक्टिंग के प्रोजेक्ट्स एज वेल. आई रिमेम्बर रोजी मुइन अख्तर साहब के साथ. हाँ मिस रोजी, सो दोनों गाने बहुत डिफरेंट थे। आई मीन आई लव्ड इट। आई डिड स्टूडियो ढाई विद अनवर साहब एंड मोइन साहब ऑल्सो। आई डिड दैट एंड आई डिड अनदर, हसीना मोइन का भी प्ले किया था मैंने, एंड ओ, आई वो वॉज कौन सा प्लेइंग था? अगेन कोहर, उसका नाम था। मरीना भी थी उसमें, और आई वॉज अ डॉक्टर, और मैं आई वॉज माई माई को स्टार वॉज बस अनार शकील से देखी. साहब। ओ रियली? अच्छा नो अच्छा अच्छा शकील साहब, सो ही अच्छा वॉज अ अच्छा लॉट अच्छा ओल्डर देन मी, ही वॉज अ लॉट ओल्डर देन मी, लेकिन आई ऑलवेज वॉन्टेड टू डू एक हसीना मोइन का प्ले। उस जमाने में हर लड़की को एक गुल अहमद का एक्ट करना होता था, एक लाइक लक्स. हसीना मोइन का प्ले करना। हाँ बट लक्स ओ वॉज ओनली फॉर फिल्म एक्ट्रेसेस। फिल्म स्टार्स, टीवी के, और टीवी और मॉडल्स भी नहीं करती थी उसमें ना, वो टीवी एक्ट्रेसेस भी नहीं करती. लक्स वाज टू हाई प्रोफाइल फॉर एन एक्ट्रेस. बट अब मुझे लगता है कि लक्स जो है ना. फॉर फिल्म एक्ट्रेसेस। उस वक्त फिल्में 1980s की फिल्में बहुत बुरी हो गई थी, पाकिस्तानी फिल्में। आई डोंट नो इफ यू रिमेम्बर, बट मुझे आई लगता डिडंट है कि वांट लक्स ने, लक्स में जो भी स्टार आती थी उसका वो उसका इमेज चेंज हो जाता था, और वो जिस तरह पोर्ट्रे राइट। करते थे, जिस तरह प्रोजेक्ट करते थे एक्ट्रेसेस को, तो वो इतनी लार्जर देन लाइफ लगती थी. और उस वक्त कुछ स्टार्स, चाहे वो कैसी फिल्म होती थी, लेकिन वो एक्ट्रेसेस जो थी फिल्म स्टार्स, वो लार्जर देन लाइफ होती थी. लाइक बाबरा शरीफ, बाबरा शरीफ इज एन आइकॉन, आई लव हर. एंड देयर सो मैनी सो मैनी. तो अब लेकिन फिर उसके बाद फिर लक्स, अब तो खैर लेटली फिर अच्छे चले, कुछ चेहरे आए, लेकिन बीच में लक्स कभी जो है ना कुछ ऐसा होता है कि कभी वो बहुत वो वाला स्टारडम जो दिखाते थे ना, पता नहीं वो कुछ, आई डोंट नो, वो अब कुछ शायद एग्जीक्यूशन या क्या, बट आई डोंट वांट टू गेट इट टू इट. लेकिन मुझे लगता है कि और ज्यादा दोबारा से फिल्म एक्ट्रेस, लेकिन अब फिल्म एक्ट्रेसेस रही कहाँ है, सच वही बात है कि एक्चुअली भी हम यही प्रॉब्लम थी, आई थिंक बीच में यही हुआ है कि फिल्म इंडस्ट्री बहुत सफर किया, और उसकी वजह से फिर उन्होंने मॉडल्स को भी उठाना शुरू कर दिया। आमना हक को भी लिया फिर विनी, उन्होंने, ईमान, अमिताभ को आमना, भी लिया, इरज, यार यार इमान अली ने उस वक्त फिल्म ईमान. नहीं की, सो आई थिंक दे हैड नो चॉइस। सो यू हैव टू गो विद द टाइम, जिस तरह होता है उसी की तरह आपको चलना पड़ता है, आजकल एंड यू हैव सबा का अच्छा टू चल रहा है वो वाला, आई वॉच इट, वो एक बड़ा अच्छा. फैंटास्टिक। हाँ, बट सबा इज अ ग्रेट एक्ट्रेस एंड नाउ वी हैव शी इज अ फिल्म्स ब्रिलियंट बैक। एक्ट्रेस. So you can bring. So I think at that time where you had Reema and you had Neely. Do you remember Neely? Oh, And I so was you a had, die hard fan of hers. So those were golden days where acting was still happening. उसके बाद वो थोड़ा सा change होना शुरू हो गया, और वो fashion और style की तरफ ज्यादा आ गया था। And I did a show, मैं produce करती थी show Lux Style की दुनिया। So आई उसमें रिमेम्बर, भी मैं, Do you remember that? Okay. How can you remember? You must have been a baby by then. It was मैं a little उस वक्त, boy. मैं उस जब छोटा सा था उस वक्त से मुझे पीटीवी और टीवी का इतना कीड़ा था कि आप सोच नहीं सकती. मेरी मुझे अब मुझे टीवी का शौक खत्म हो गया, लेकिन मैं जब बिल्कुल 3-4 साल का था उस वक्त से मुझे सारी मेमोरीज मेरे पास बिल्कुल क्लियर है पीटीवी की, और वो टीवी Wow. की सारी. Excellent. सो उस वक्त मैं So बड़ा tell पक्का me, होता था. tell me, you live alone or do you have your mother, your family with you, anybody with you? मी, माई मदर एंड माई माई सर्वेंट्स एंड माई ड्राइवर एंड माई मेड्स एंड ऑल. So सो just your mom and right? Yeah, या माई okay. फादर So पास्ड अवे थ्री I live थ्री with my मंथ्स mother. बैक. या Yeah, I सॉरी remember that. I do जी. remember that. We talked about that. I know how hard या that या was या for you. या बहुत सो मुश्किल था अब तुम्हारे लिए। बहुत बहुत मुश्किल था, अभी भी बहुत मुश्किल है. एंड फॉर्चुनेटली आई वॉज नॉट वर्किंग एट दैट टाइम. आई
वॉज बैक फ्रॉम अ शूट, सो आई वॉज इन इस्लामाबाद, उसी दिन मैं बस गया था लाहौर. एंड एवर सिंस जब पापा की डेथ हुई उसके बाद से फिर मैं दोबारा मैंने कुछ काम किया नहीं है, और अभी भी मैं प्लान कर रहा हूँ कि अभी मैं कुछ महीने शायद और ना, शायद साल में और काम ना करूँ, बिकॉज आई थिंक माई मदर नीड्स मी द मोस्ट नाउ. सो वी आई थिंक वी शुड सेट प्रायोरिटीज इन लाइफ. या कि कौन सा जी You know, how do you do that? I mean, if you stop working, then what do you मुझे आई थिंक दिस टाइम वाज बैडली नीडेड इन माय लाइफ प्रिया. मुझे तो लगता है कि ये वक्त बहुत पहले आ जाना चाहिए था, और जिसमें मुझे थोड़ा सा टाइम अपने आप को देना चाहिए था. और बहुत ही मुझे, मैं इस वक्त को ब्लेसिंग समझ रहा हूँ कि ये जिस तरह मैं अपना घर में वक्त गुजार रहा हूँ, आई एम सॉर्टिंग आउट माई लाइफ, माई पर्सनैलिटी, एंड देयर इज सो मच टू एक्सप्लोर अबाउट योर ओन सेल्फ. लाइक आप को वक्त ही नहीं मिल रहा होता, जिस तरह का हमारा स्केड्यूल आपको पता है कि एक दिन इस मुल्क में तो उस दिन, मतलब ट्रैवलिंग में और सब में आपको अपने आप से बात करने का टाइम नहीं मिलता. सो आफ्टर अ वेरी लॉन्ग टाइम, आफ्टर प्रॉब्ली 1.5 decade, आई एम हैविंग दिस पीसफुल लाइफ विद सो मच टाइम टू स्पेंड विद माय ओन सेल्फ एंड बी माय मायसेल्फ. सो आई एम लविंग इट. आई एम घर की कितनी चीजें थी, कितनी पुरानी पुरानी एल्बम्स थी जो देखनी थी, कितनी अलमारियां थी जो साफ करनी थी, कितने पौधे थे देखें, सारे मेरा टाइम मांग रहे थे. बहुत so कुछ था nice. करने. I like that. That's so good. That's what I'm doing. मगर मैं अलमारियों तक पहुंच ही नहीं पा रही, बिकॉज मैं अभी भी काम कर रही हूँ. मुझे पता ही नहीं चलता, और फिर वही 10:30 बज जाते, 10 आई मीन भागती हूँ मैं, ओ जल्दी से जाओ मेकअप करो, जल्दी तैयार हो, 10:30 बजे फिर आती हूँ. दिस इज द पॉइंट दैट आई एंजॉय, दिस इज माई सैनिटी. Because I get dressed up, I've been telling people I put my makeup on. I know I don't need to show my shoes, so I just put my earrings on and talk to my friends. And you know, Priya, enjoy, Priya ko Misha, we, you know, we always take you as a very bossy person. Like, हमें लगता है कि Priya, Priya का मतलब है Priya Altaf, boss. मतलब एक ही इसका synonymous है. तो ये क्या हमेशा से ऐसी थी या बाद में ऐसी हो गई या कैटवॉक के बाद ऐसी हुई? नहीं. बचपन में तो मैं बिल्कुल नहीं थी. आई वॉज वेरी क्या कहते हैं, बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, कोई कॉन्फिडेंस नहीं था. आई एम बिकॉज ऑफ माई सिस्टर यार, मेरे एक बहन भाई ब्लू आइड ब्लॉन्ड गोरे चिट तुम्हारी तरह गोरे, यू नो, एंड मेरे एक भाई बेचारा और मैं, दोनों डार्क स्किन डार्क है, तो हमें तो कोई टेंशन ही नहीं देती थी सारी. नो आई मीन आई एम टैंड, यू नो, तो उसके मुकाबले में तो वो बच्चों को ज्यादा अटेंशन मिलती थी, हमें इतनी अटेंशन नहीं मिलती थी, तो हमारा कॉन्फिडेंस भी नहीं था. लेकिन ओवर पीरियड ऑफ टाइम आई थिंक आई गॉट वेरी कॉन्फिडेंट, आई रियलाइज दैट आई हैड माय ओन काइंड ऑफ लुक्स, एंड यू नो, एंड आई गॉट द अटेंशन, सो आई स्टार्टेड गेटिंग मोर कॉन्फिडेंट. बट आई वॉज ऑलवेज अ लीडर, लाइक आई वॉज इन स्कूल, आई वॉज captain of all the sports teams, I was sports captain in a grammar school and the convent, and then of course when I went to padhai maine kabhi nahi ki, main ye bhi bata padhai mein padhai se main bhagti thi, lekin jab main america gayi padhne to mujhe, main wo jo ali sports mein karti thi wo wahan pe thi hi nahi, to main kya, main ab kya karu, aur mujhe wahan ki padhai achhi lagi kyunki wo ratte wali padhai nahi thi, wo soch wali thi. So I got interested in padhai for the first time when I graduated top of the class, और मैंने बहुत जल्दी जल्दी पढ़ाई खत्म कर ली, 3 साल में ही मैंने ग्रेजुएट कर लिया था. लेकिन ये कि आई वॉज ऑलवेज एन अचीवर, यू नो, फॉर मी अचीवमेंट वॉज वेरी इंपॉर्टेंट. और जब मैं वापस आई मैं बड़ी कंफ्यूज थी कि अब क्या करना चाहिए, यू नो, सो कभी मैं ड्रामे कर रही, कभी मैं थिएटर कर रही, कभी मैं पेंटिंग और स्कल्पचर वॉज माई थिंग, तो मैंने पेंटिंग और स्कल्पचर किया, और फिर मैं बहुत चीजें करती थी. तो फिर उसके बाद जब एंड आई फेल इनटू द मॉडलिंग करियर ऑल्सो, नॉट अ करियर, एडवर्टाइजिंग ऑल्सो, बट देन आई सॉ कि इतनी चीजें इतनी डिसऑर्गेनाइज तरीके से हो रही थी, तो डिसाइडेड कि अब ये फैशन की जो इंडस्ट्री है ना, इसके अंदर मैं सब कुछ वैसे ही कर रही हूँ, तो लेट मी डू मोर. सो दैट्स व्हेन आई स्टार्टेड डूइंग दैट. एंड देन ऑफकोर्स सो मेनी थिंग्स, कोई मॉडलिंग एजेंसी नहीं थी, कोई टीवी का शो नहीं था, मैगजीन शो, आई मीन पहली बार आई थिंक हम लोग स्टूडियो में शूट होते थे, मैं सबको ले गई बाहर, मैंने कहा यार जाओ लेट्स गो टू चित्राल एंड शूट, लेट्स गो टू you know, thar and shoot. So I started doing a lot of that, and I really enjoyed that, you know, the production part of my work. So I was always reinventing and doing new things. Abhi bhi main bore ho jati hu wo ek cheez kar kar ke. Obviously now I have a company aur bachche, and you know, so I have how many kids do you have? Kids, I have a daughter, she's in Canada, wo pad rahi hai. She was in the movie also with me, Pare Hat Love mein.
एंड शिवस चेरियार्स सॉरी, कजन आपकी आपकी ईशा. आवाज, आपकी आवाज डिस्कनेक्ट, आपकी वीडियो डिस्कनेक्ट हो गई थी. सॉरी, ओह हाउ मेनी किड्स डू यू हैव? थ्री, टू डॉटर्स, राइट? टू किड्स, वन डॉटर वन टू, सन. वन सन. या अच्छा, वो उसका क्या नाम है? बेटी तुरहान, से तो शायद मैं, अच्छा बेटी से तो शायद मैं मिला हूँ तुरहान. आपकी. हाँ, बेटी से तो हाँ, शायद मैं मिला हूँ. परीक्षा. हाँ, शी इज ऑल्सो डिड सम मॉडलिंग. वो बहुत छोटी उम्र में उसने शुरू कर दिया था. एंड देन उसके बाद वो पढ़ रही थी तो वो चली गई वहां पे कनाडा. शी इज यूएस. स्टिल इन कनाडा. अच्छा अच्छा हाँ, अच्छा स्टिल इन कनाडा. शी इज फिनिशिंग अप हर सेमेस्टर, क्योंकि उसने एक सेमेस्टर ऑफ लिया था टू वो फिल्म करना चाह रही थी ना, परे हट लव, उसने आसिम रजा की फिल्म की, तो उसकी वजह से उसकी पढ़ाई थोड़ी सी वो एक सेमेस्टर. बट शी इज कॉट अप, सो शी इज डूइंग दैट एनीवे. सो आर यू प्लान सो आर यू प्लानिंग टू कम बैक टू एक्टिंग एनी टाइम सून और लेटर? I've been doing it, you know. Pichle, I mean, I did a cameo for Saakib also Baaji mein. Pare Hat Love was a या lot of fun. नहीं, नॉट It's लाइक a द lot मेजर of. कैरेक्टर्स फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश. I would love to. Actually, I would really. मुझे मगर मुझे कोई मुझे अब कोई मजे का रोल देना, कोई फनी बस रोल ठीक है, हो. बस I'm ये good अब with आप comedy. बस हाई I'm फाइव. good with comedy. I have no inhibition. You tell me to be a jelly, I'll be a jelly. You know, I don't have to be glamorous and I don't have to be, you know, मुझे नहीं, मुझे बल्कि उस चीज में मजा भी नहीं आता. मुझसे कुछ ऐसा रोल कराओ जो कि कैरेक्टर हो जिसके अंदर मजा भी मुझे आए. लगता है कि So, मुझे लगता है कि जब कोई ऐसा कोई रोल बनेगा ना जिसमें आपकी कैरेक्टर एक बहुत ही हाँ रॉ, तो मुझे लगता है वो भी आपके ऊपर, जिस तरह थर की कोई औरत या कोई गांव की औरत हाँ जिसमें लोग एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहे उस होंगे फिर, तो वो है हाँ आपकी हाँ शक्ल के अंदर एक हाँ रॉनेस भी है ना, तो वो बड़ी अच्छी लगेगी. यू नो, वेरी स्ट्रांग वुमन. ओके, थैंक यू थैंक यू तो थैंक यू. यप, बस सही आई है. एम अब आप स्ट्रांग, आई मेरी प्रोडक्शन में नॉट कुछ बैड. करने वाली हैं आप, इसका मतलब है. ठीक है, तो ये डील अच्छा, हो गई हमारी यहाँ. आप प्रोड्यूसर बनने वाले हैं? हाँ, अब मैं बनने वाला आपने हूँ, बस सोचा ये ही? हालात अभी सही हुई कि इंडस्ट्री अभी कुछ मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आगे किस तरह चलने वाली है, क्योंकि सिनेमा मुझे लगता है काफी अरसे के लिए सीज हो गया है, इंटरनेशनल सिनेमा भी. लोग आते आते सिनेमा में, अभी शायद जब ये क्वारंटीन खत्म भी हो जाएगा तो लोग आने से डरेंगे थोड़ा सा, काफी महीनों और तो सालों तक शायद मुझे लगता है कि आई अभी एक थिंक डर बैठ इट्स जाएगा गोइंग, लोगों के दिल. वेल आई थिंक दिस इज व्हाट्स गोइंग टू हैपन. आई थिंक ये अब हमें पता है कि अगर हमने स्टोर में भी जाना है तो हम सैनिटाइज करके जाएं और हिफाजत करके जाएं. सो आई थिंक ऑल दीज प्लेसेस विल हैव दैट इंस्टॉल्ड. जैसे कि जब आप जाते हैं और एक वैले खड़ा होता है रेस्टोरेंट के बाहर, आपकी गाड़ी ले जाता है उठा के, एंड बिफोर यू गो इन देयर इज समबडी हु आस्क्स यू आपकी रिजर्वेशन है कि नहीं. तो इसी तरह यू विल प्रोबेबली गो थ्रू अ सैनिटेशन थिंग एंड यू विल आजकल अब प्रोबेबली तो ये ब्रीद शुरू इन हो गया है इस्लामाबाद में, दे एग्जैक्टली. हैव टनल्स, लाइक सैनिटेशन, सैनिटाइजिंग टनल्स. राइट, तो अब वो आई यस. थिंक सो दैट दिस विल इज बी मैंडेटरी, उसके बाद मुझे लगता है कि वो ऐसा हो जाएगा कि हर जगह राइट होगा. राइट. सो आई थिंक दैट्स व्हाट्स गोइंग टू हैपन. एंड आई थिंक ह्यूमन स्पिरिट जो है वो जबरदस्त है. एंड आई थिंक जो द थिंग इज इमरान, अगर आप जी. अगर आप इस बिजनेस में आना चाहते हैं, यू हैव टू बी प्रिपेयर्ड. क्योंकि जो बंदा जल्दी चीज पकड़ेगा ना, वो ज्यादा आगे जाएगा मेरे हिसाब से. आई वॉन्ट सीन दैट. जहां आपको लगता है कि अच्छा कोई नहीं है, वहीं पे आपको होना चाहिए. बिकॉज वही चीज जब बाउंस बैक करती है तो बहुत लोग जो है ना, बहुत इजीली बाउंस बैक कर जाते हैं. लोगों ने कहा था 9/11 होगा, कोई जहाज में नहीं बैठेगा, सारी दुनिया जहाज ज्यादा बैठती है जहाजों में, कोई नहीं डरता, यू नो. सो पीपल डू बाउंस बैक, पीपल थिंग्स डू कम बैक, बिकॉज इट्स जरूरत है आपकी, इंसानी जरूरत. एंड यू नो यू वॉन्ट टू बी एंटरटेन. सो आई थिंक इट्स गोइंग टू हैपन इंशाल्लाह. आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट इट. इट्स जस्ट यू हैव टू बी वेरी पेशेंट राइट नाउ, दैट्स ऑल, यू नो. सो इफ यू डोंट फाइंड अ क्योर, वील हैव टू फाइंड प्रिवेंशन. एंड प्रिवेंशन इज वॉट्स गोइंग टू ओपन अप द वर्ल्ड नाउ, है ना? नहीं, ट्रू 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 ट्रू. बहुत ना, सीरियस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. बात कर रही हूँ, सीरियस सीरियस बात है. की क्या अच्छी तुम्हारे बात काम करें की वो. बात है? अच्छा, तुम्हारे काम की बात कर रही हूँ मैं, तुम्हारी काम की बात कर रही हूँ. बी प्रिपेयर्ड, यू नो, ऑलवेज बी फर्स्ट. सो आई लाइक बींग फर्स्ट. आई लाइक बींग फर्स्ट बिकॉज आई थिंक पीपल आर स्केयर्ड, डोंट दे डोंट टेक रिस्क. रिस्क लेना जरूरी होता है जिंदगी में, बट मेरी कैन मेरी पीपल जो टेक असल में आने का, रिस्क? अगर प्रोडक्शन में जो मैं सोच रहा हूँ आने का, उसका बेसिक ऑब्जेक्ट ही यही है मेरे उसके पीछे, के आप वो सब कुछ ना करें जो हो रहा है. मैं अभी भी जिस तरह मैं तन्हाइयां देख रहा हूँ आजकल, सुबह आ रहा होता है 3 बजे, पीटीवी का मैं देख रहा होता हूँ कि वो, खैर अब तो लोगों की देखने की सेंसिबिलिटीज भी चेंज हो गई हैं और लिखने वालों की भी, लेकिन कितना अच्छा
कितना अच्छा काम होता था हमारा हसीना मुइन का, क्या खूबसूरत उनकी राइटिंग्स होती थी, और क्या वो कॉम्बिनेशन होता था, छोटी छोटी इंट्रिकसीज को वो डील कर रही होती थी, रिश्तों की, लोगों की। अब वो चीज बिल्कुल खत्म हो गई। अब इतना ड्रामा दिखाया जाता है जिसका मैं भी पार्ट हूं, और मुझे भी अफसोस होता है, लेकिन क्या करेंगे, अब ऑप्शन ही नहीं है। लेकिन अब मैंने ये सोचा कि अगला प्रोजेक्ट में जब भी साइन करूंगा उसमें कंटेंट बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो आई एग्री, बड़ा अफसोस होता है कि इतनी अजीब अजीब चीजें स्क्रीन पर दिखाई जाती हैं आपके। मुझे यकीन नहीं आता कि ये टीवी पे दिखाने वाली चीजें हैं, कि कभी आप दिखा रहे हैं कि बहू का सुसर के साथ अफेयर चल रहा है, तो कभी देवर का भाभी के साथ चल रहा है, रेप ही रेप दिखाए चले जा रहे हैं सब कुछ। ऑल्दो ये सब कुछ हमारी सोसाइटी में हो रहा है, लेकिन हर चीज की एक फाइन लाइन होती है, और मुझे लगता है कि कुछ चीजें नहीं दिखानी चाहिए स्क्रीन के ऊपर। और या तो फिर अगर आप दिखा ही रहे हैं तो उसको ग्लोरीफाई ना करें। ग्लोरीफाई तो खैर कोई भी नहीं कर रहा होता, लेकिन कुछ चीजें जो है ना बिटवीन द लाइंस रहनी चाहिए, आई थिंक वो। आई थिंक कैरेक्टर्स भी बड़े जबरदस्त है ना, लाइक समबडी वाज मेंशनिंग जुनैद जमशेद, उनके साथ मैंने थिएटर थिएटर का भी एक प्ले किया था, सो ही वाज सच एन अमेजिंग. उनका कैरेक्टर देखो, जैसे कि उन्होंने बिल्ड किया था हसीना ने, सबके कैरेक्टर्स थे, कबाचा का एक कैरेक्टर था, जुनैद जम अमेजिंग कैरेक्टर्स, यू नो द फीमेल आप रोल्स उनकी बात तो उन्होंने. नहीं कर रही जमशेद अंसारी की? जुनैद जमशेद अंसारी, सॉरी ऐसे जुनैद जमशेद गलत जी कह जी दिया मैंने, हाँ हाँ जुनैद हाँ अंसारी, हाँ जमशेद ही अंसारी, एक्चुअली वाज आई मैंने उनके साथ थिएटर भी किया था, हाँ मेरे बिकॉज साथ भी उस उन्होंने काम जमाने, किया। बिकॉज वही दैट वाज माय जमाना, यू नो. मैं बल्कि बाय द वे मरीना और कुचू की जो शादी हुई थी ना, वो भी मैंने, आई हैड अ हैंड इन इट, बिकॉज मुझे उसने आके बोला था कि आई लाइक दिस गर्ल एंड यू नो हर, तो मुझे उससे मिलना है. तो मैं फिर उनको कहा, मैंने फिर एक वो प्रोग्राम बनाया, बीच पे हम लोग चले गए, फिर मैंने उनकी मुलाकात कराई, फिर उनकी शादी हो गई. अच्छा, सो आई हैव अ हैंड इन मरीना शादी ऑल्सो. लेकिन ये कि लेकिन मरीना तो खैर ऐसा उस वक्त एक ऐसी एक ऐसी पर्सनालिटी थी कि उसमें मेरे ख्याल पूरा पाकिस्तान उनके पीछे पागल था, वो शहनाज शेख, एवरीबडी वाज लाइक पागल आफ्टर दिस गर्ल्स टू। She was the Myra Khan of, you know, that time. She was the Myra Khan. She was amazing. So, okay. So tell me. So we have about 5 minutes left. So what do you want to talk Oh, about? What else do you want to talk about? I want to talk about, oh, 5 मिनट में कुछ भी नहीं बोल पाऊंगा, आप पूछिए। बट इट वॉज लवली टॉकिंग टू यू बहुत फ्री। आई वॉज बोलते एक्स हो, बोलते ज्यादा हो तुम क्या इसकी? नहीं, नहीं, इतना तो नहीं है. मैं नहीं इतना नहीं बोलता हूँ, लेकिन मैं शायद बात जब करता हूँ तो फिर वो आगे कहीं और निकल जाता हूँ, तो वो फिर मुझे जो है ना कॉम्प्रिहेंड करना No, ज्यादा थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। बट that's okay. Yeah, so so tell me, so we've talked about actors, we've talked about drama, we've talked about film. Let's talk about fashion. Have you done fashion? या लॉट, लेकिन Any fashion मैंने show? बस रैंप ही किया है, रैंप से रैंप ही किया है। और अब लेटली तो मैंने सिर्फ, मैं शो स्टॉपर ही होके आता हूँ, तो मुझे इतना ज्यादा उसका वो नहीं होता। फिल्म के फेवरेट बट डिजाइनर कौन सा अच्छा लगता है तुम्हें, पाकिस्तान में पाकिस्तान? हाँ प्रिया ऑनेस्टली कोई ऐसा एक अच्छा, कोई ऐसा बाहर कुछ नहीं है। बता मैं दो, बाहर क्या, बाहर के कपड़े तुमको, कपड़े कौन से पसंद है? शलवार कमीज पसंद है, पोलो शर्ट्स पसंद है, व्हाट डू यू लाइक? देखिए, हेलो, मैं तो देखें बहुत, अभी भी मैंने क्या पहना हुआ है जल्दी से मैं आपको दिखा दूं। जस्ट अ टी शर्ट, जस्ट अ टी शर्ट, यस आई कैन सी दैट, ओके, अच्छा जी, तो हाँ शॉर्ट्स सिंपल घर में तो मैं जितना है, मुझे, हाँ जितना आजाद रह सुकून सकता हूँ है. मैं रहता हूँ। और घर की अच्छी बात यही होती है कि आप घर बाहर ऐसी जगह होती है जहां आप बुरे भी लग रहे हो ना, तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती। आप अगली भी लग रहे हो, आप गंदे मैले, हाय, आपने ब्रश ना किया हो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आई मैं बस, लाइक, आप इतना ज्यादा, मैं तो अक्सर, मुझे ये पता नहीं होता कि मैंने किस के साथ की क्या शर्ट पहनी हुई है, बाज दफा कौन से पजामे के साथ, क्या वेस्ट, क्या कुछ। इतना कैमरे के सामने रहते रहते ऐसे होकर आए होते हैं ना कि आप कहते हैं कि बस यहाँ तो आके आजाद हो जाओ, जो भी बस आपने पहनना है तो पहनो। या तो ये मुझे होता लगता है है तुम्हें कुछ करना बट। ही था खूबसूरत लगने के लिए. आई मीन यू आर लाइक, यू नो, यू हैव अच्छा, और दैट मेरे को बड़े फेस दैट इल्जाम लगते हैं कि जी इमरान अब्बास मेकअप बहुत करता है, मुझे ये बड़ा सुनने को मिलता है। और मैं बस
क्या क्या उसकी एक्सप्लेनेशन दिया करूं लोगों को कि ऐसा कुछ भी नहीं है। अक्सर लोग मुझे कह रहे होते हैं कि यार ये आप स्क्रीन पे मेकअप बहुत करके आ रहे होते हैं, तो मैं कहता हूँ यार मैं आपको आप मुझसे आम जिंदगी में मिलने और आप देख लें और साथ अपने कुछ वो कुछ वाइफ शाइफ्स लेकर आके देख लेंगे मैं कितना मेकअप करता हूँ। ओके, बिकॉज़ मेकअप तो कर, यू हैव टू डू मेकअप व्हेन यू आर एन एक्टर, लाइक यू कांट गो इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन यू नो विदाउट हैविंग सम मेकअप ऑन। एंड यू नो मुझे ये बात भी नहीं पसंद, मैं हमेशा कहती हूँ कि जिसने जो पहना है लेट एवरीबॉडी वेयर व्हाट दे वांट, लेट एवरीवन डू व्हाट दे वांट विद देमसेल्व्स, दे वांट टू वेयर मेकअप लेट देम वेयर मेकअप। वन ऑफ माय फ्रेंड्स फ्रॉम न्यूयॉर्क, बॉब हाय, थैंक यू फॉर कमिंग इन, ही इज फ्रॉम न्यूयॉर्क, आई जस्ट थॉट आईड से हेलो, न्यूयॉर्क की बहुत बुरा हाल है, विशिंग यू द बेस्ट, I hope everything's okay and your family's good, because I am concerned about all my friends out in New York. It's been not good over there, and oh, they've had 10,000 deaths in New York. But I think ab thoda ओ, better टेन ho raha hai. थाउजेंड I think 10,000, yeah, 10,000 deaths ओ just in New York. Yeah, I love you दैट्स वेरी too. सैड। Take care, Bob. Yeah, it's terrible, and it's also like the business of our business, which is इवेंट मैनेजमेंट बिजनेस, ऑब्वियसली वो पूरी द होल वर्ल्ड इज अफेक्टेड, देयर सो मेनी बिजनेसेस या अफेक्टेड, बट इवेंट्स बिकॉज इन्वॉल्व पीपल एंड गैदरिंग्स इज मोर अफेक्टेड देन एनीथिंग एल्स, बिकॉज ट्रू वी डोंट नो वी विल बी एबल टू गैदर टुगेदर, जैसे लाइक द सिनेमास, यू नो वी डोंट नो, यू कैन सी या फिल्म्स ऑन टीवी एंड ऑन वीडियो, बट आर वी एवर गोइंग टू सी फिल्म्स यू नो अगेन इन सिनेमा हाउसेस, आर वी एवर गोइंग टू हैव concerts with 35,000 people? Are we ever going to have stadiums full of people with PSL jaise ho raha tha? So these are things that everyone's concerned about, you know. That's my industry. So now tell me, Imran. So kya puchna? Achha. So you have no siblings? You have no brothers and sisters? नहीं, Yeah. माशाल्लाह, we are five now. We used to be six, but I Wow. lost my sister. Oh, Yeah, I sorry. lost my sister 3 years back. So we are five now, including me, and I'm the youngest. Wow, So, are you the youngest? but So yeah, how I'm the do you, I'm youngest. sorry, I don't want to mean to pry, but No, it's perfectly fine. how do you, yeah, you lost your sister. Yeah, was she sick? no, she was suffering from cancer, and Oh, fourth her stage. brother Yeah. died. Yeah. Oh, तो आपको terrible. पता होता है, मतलब मुझे पता आपका था. एक आपके आपका लगता है कि आपके दिल का एक टुकड़ा निकल गया है, आपका आपके कुछ बहन भाई चला जाए, एंड जब तक वो आपके साथ होते हैं आपको पता नहीं होता, बट व्हेन यू लूज देम देन यू कम यू नो देन यू कम टू नो दैट हाउ इम्पोर्टेंट देयर प्रेजेंस वर इन योर लाइफ। अब Exactly. वो अब मुझे तो एहसास अब मतलब मुझे लगता है कि द डेफिनेशन ऑफ हैप्पीनेस इज टोटली चेंज फॉर मी फॉर गुड। लाइक व्हेन आई लॉस्ट माय फादर एंड माय सिस्टर, सो आई कैन नॉट बी द सेम पर्सन एवर अगेन। लाइक माय हैप्पीनेस वुड बी नॉट द काइंड ऑफ हैप्पीनेस व्हिच आई यूज्ड टू हैव बिफोर बिफोर दे पास्ड अवे। तो हर चीज बिल्कुल बदल जाती है आपके बहन भाइयों माँ बाप के साथ, एंड आई थिंक दीज आर द क्लोजेस्ट बॉन्ड्स एंड क्लोजेस्ट रिलेशनशिप्स यू हैव इन इन लाइफ। लाइक गर्लफ्रेंड्स बॉयफ्रेंड्स आ जाते हैं, बीवियां शौहर शौहर आ जाते हैं, बीवियां भी और होती हैं, शौहर भी और आ जाते हैं, बच्चे भी और हो जाते हैं, सब कुछ। बट आई थिंक पेरेंट्स ऐसी ऐसी चीज है कि उनका रिप्लेसमेंट आपको जिंदगी में कभी नहीं मिलता बहन भाइयों का। सो आई नीड टू शेयर दिस विद यू। आई लव पहले अबू की डेथ हुई थी, एंड सो मुझे अबू वॉज अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, लाइक माई सेल्फ यू नो आई एम अ वेरी स्ट्रांग पर्सन, एंड मुझे बट आई वॉज सो डिपेंडेंट ऑन हिम, सो आई फेल लाइक समबडी चॉप माई आर्म ऑफ, लिटरली के मुझे ऐसे लगा मेरा किसी ने बाजू काट दिया। एंड देन माई ब्रदर गॉट कैंसर लिटरली लिटरली मेरे ख्याल में 4-5 महीने के बाद, और मेरा वो छोटा भाई था, वो मुझसे छोटा था ओ वो, और उसको कैंसर हो गया और 7 महीने में वो भी चला गया। तो एक वो जो एक फैमिली पोर्ट्रेट थी ना, वो ऐसे लगा किसी ने हाँ फाड़ फाड़ दिया है, और दी। हाँ और बिल्कुल आधे बिल्कुल लोग ऐसे रह गए, होते हैं। और उसके उसके बाद आई वॉज द सेम लाइक यू, मुझे आई अंडरस्टैंडिंग, मुझे किसी चीज की मैं दुआ नहीं करती, मैं हमेशा कहती हूँ अल्लाह मियाँ हमें सेहत दे और हिफाजत दे, बिकॉज यू रियली ट्राई, यू ट्रेजर द पीपल यू हैव, एंड बिकॉज यू लॉस्ट सो मच यू डोंट केयर अबाउट एनी थिंग एल्स, यू डोंट केयर अबाउट मटीरियल थिंग्स, यू डोंट केयर अबाउट एनी थिंग। एंड मुझे हमेशा लोग कहते हैं कि तुम इतनी वेकेशंस पे जाती हो, इतने पैसे खर्च करती हो, तो मैं कहा मुझे पैसे की परवाह नहीं है, बिकॉज आई वॉन्ट द मेमरीज, आई वॉन्ट कि मेरे बच्चों को याद रहे कि मेरे मैं उनको यहाँ ले गई थी, वहां ले गई थी, आई वॉन्ट टू एंजॉय माई माई लाइफ एंड यू नो मेक मोस्ट ऑफ इट, बिकॉज आई डोंट नो वट आई नो
ये कुछ पता नहीं होता कल को कुछ क्या होने पता नहीं वाला है। होता। हाँ, और पैसा तो हाँ एक बहुत ही इतनी मीनिंगलेस चीज लगने लगी है मुझे। वैसे इसकी इंपॉर्टेंस बहुत है आपकी यस लाइफ में, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनके पास नहीं होता, वो उनसे पूछेंगे पैसा क्या हाँ चीज है। लेकिन मुझे लगता है कि आपके लिए खुशियां जो होती है ना, उसका ताल्लुक पैसे से बहुत कम है, वो आपके अंदर से। मैंने देखा है कि गरीब का बच्चा साइकिल पे भी जा रहा होगा तो वो हंसता खेलता जा रहा होगा, और हम जिनके पास पैसा होता है, हम यस डिप्रेशन और परेशानियों में यस पूरी पूरी रातें रात नहीं सो रहे होते। तो खुशी कुछ राइट और है जो आपके अंदर से ओरिजिनेट होती है। यू नो, देयर आर टू थिंग्स, जॉय एंड राइट प्लेजर। एंड आई थिंक राइट आप जॉय आप लोगों से ड्राइव करते हैं, प्लेजर आपके अंदर से फूट रहा होता है। तो आई थिंक आपको अपने उस चीज की, अगर आपको एक रीच आप तक हो जाए ना कि आपको पता चल जाए कि खुश कैसे रहना है, तो फिर बाहर की कोई हाँ चीज आपको इन्फ्लुएंस नहीं कर सकती, कोई चीज इफेक्ट नहीं कर सकती। अगर आपको अंदर से खुशी मिल जाए, और आपको अल्लाह से यही दुआ राइट करनी चाहिए कि अल्लाह आपको अंदर से सुकून दे और अंदर से खुशी दे, जो कि सबसे या बड़ी नेमत है मेरा ख्याल। एंड दिस इज आई थिंक द ट्रू डेफिनेशन ऑफ सक्सेस। इफ यू आपके अंदर आई कंटेंटमेंट है एग्री विद या, और अगर हाँ आपको आई भी, आप जो एग्री आपके पास है, डोंट चाहे आपके पास कम फील है या ज्यादा है, आपको उसके नेमलेस ऊपर अगर आप बस आपको खुशी हो जाए तो बस वो सब कुछ है। वरना तो ये तो दौड़ चलती ही रहती है, तो कभी आप रेस में ट्रू सो ट्रू जीत ही नहीं यू नो पाएंगे, एंड भागते ही देखो रहेंगे। आज मुझे तुम्हारे बारे में एक और बात पता चली है, और हम लोग एक तो घोड़ों की बात और फिर एक फैमिली की बात, वी आर शेयरिंग द सेम पेन, शेयरिंग द सेम पेन एंड शेयरिंग द सेम सॉर्ट ऑफ यू नो लाइफ के लेसन्स, बिकॉज दीज आर इम्पोर्टेंट लेसन्स। लोग समझते हैं कि आप सेलिब्रिटी हैं एंड यू हैव नो यू नो रियल लाइफ, बट नोबडी नोज वॉट योर रियल लाइफ इज ऑल अबाउट एंड वॉट योर रियल लेसन आर, और ये ज्यादा इंपॉर्टेंट लेसन है जिंदगी में सबको बताने के। सो यस सो सी इस 5 मिनट में काम की बात भी कर दी, आई एम श्योर करी नहीं, पता भी नहीं वे चला, पता पता भी नहीं चला, 5 मिनट ज्यादा भी भी नहीं हो गए। चला। हाँ, चले तो ऐसा करेंगे कि फिर आई हम थोड़े दिनों बाद दोबारा आएंगे, अब तो आते रहेंगे हम। थिंक सो या बिकॉज आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन फजूल बातें, मुझे बस आई वॉन्ट टू नो अबाउट पीपल, अबाउट द इनसाइट, आई थिंक दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग यू नो कि वॉट इज अ पर्सन फ्रॉम द इनसाइट। एंड चले, लेट्स थैंक यू लेट्स अगेन, ओ आपने नो वो नहीं हैंड वॉश प्रियो, मेरे लिए चीज की थी वो भी बहुत अच्छा आपने किया था, थैंक यू लेडीज सो मच फॉर दैट। एंड प्रिया, यू आई ऑलवेज रीमा या रीमा, द डियरेस्ट डियरेस्ट फ्रेंड, एंड उसको भी हाँ बहुत बहुत शुक्रिया। एंड मैं आपको एक और बात बताऊं कि आप को मैं उस वक्त से जानता हूँ, ऑफकोर्स जब मैं आपको टीवी पे देखता था, एंड आई वाज वेरी यंग एंड यू वर आल्सो वेरी यंग एट दैट टाइम। एंड उस वक्त से आई हैव अ वेरी ह्यूज रिस्पेक्ट फॉर यू, एंड आई ऑलवेज लव्ड यू, एंड आई ऑलवेज रिगार्ड यू फॉर वॉट थैंक यू डन फॉर योर सेल्फ एंड for the industry, and I seriously, seriously have a huge, huge respect for you. So आपके लिए यू। कभी भी कोई आप जब बुलाएं या आपको जरूरत पड़ी, तो I'm always there for you as a friend. हाँ जी, अब मैं उस दिन तस्वीरें देख रही थी, तो मैंने एक पार्टी की थी घर पे, केक फिल्म जब केक आई थी 2 साल पहले, एंड क्रिकेट क्रेक क्रेक एंड क्रिकेट, क्योंकि PSL भी हो रहा था और मेरे बहुत सारे दोस्त हैं इंटरनेशनल कमेंटेटर्स और दोस्त हैं उनमें, सो वो भी आए हुए थे। एंड सो आई हैड केक एंड आई सॉ योर पिक्चर, आई थिंक यू केम टू माई हाउस लिटिल लेट बट तुम आए थे, Oh एंड यू बिल टू माई हाउस, यू बिल टू I've माई been to your हाउस house, and yeah, I was with यस a friend of mine who was from India, and he's a very good director. Oh, that's तो right. And there yeah, was a, I think film, वो भी चल रहा था, I think कुछ पाकिस्तान फिल्म फिल्म फेस्टिवल था ना, पाकिस्तान फेस्टिवल, इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल को हम टीवी ने किया था। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। आप लोग सब जमील बेग के घर से होते हुए मेरे घर आए थे, एंड आई एग्जैक्टली वाज, एग्जैक्टली इट वाज लवली टू सी यू, एंड प्लीज डू कम अगेन, आई एम फेमस फॉर माय पार्टीज यू नो दैट, सो आई विल बी श्योर टू चलिए, इनवाइट यू, ओके। एंड सो इमरान टेक केयर, हैव अ गुड नाइट, यू टू, एंड ऑल माय या, और अपनी अम्मा को बहुत प्यार देना मेरी तरफ से, एंड बिल्कुल व्हेन यू बिल्कुल, मेक योर फार्म हाउस आई एम कमिंग, एंड यू आर ओके। एंड स्टेइंग नेक्स्ट ओवर, टाइम आई एम राइट? कॉलिंग यू, नो आई एम गोना कॉल यू इन इस्लामाबाद एंड टेक यू अप इन द मरगला, उस वक्त तो बेचारे लेपर्ड शायद भाग जाए, भाग चुके इंसान होंगे। वापस आ जाए, वी शुड बी ओके, वी शुड बी ओके, राइट या राइट, ओके, ऑलराइट All ओके, right, Priya, सो it was a थैंक यू सो मच pleasure once again. इमरान, लवली टॉकिंग Thank टू you. यू, हैव अ गुड Lovely talking इवनिंग, to you. एंड हैव अ हैप्पी लॉकडाउन, एंजॉय योर टाइम, You ओके, too. ऑल राइट, Bye-bye. टेक केयर, Take बाय care. बाय।